नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में यूनिकॉर्न और स्टार्टअप का प्रवेश देने के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। कोविंद ने रविवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। IIM नागपुर की स्थापना 2015 में की गई थी। राष्ट्रपति ने कहा कि एक शिक्षण संस्थान केवल सीखने का ही स्थान नहीं होता, बल्कि यह हम सभी की भीतरी और छिपी हुई प्रतिभाओं को और संवारने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, शिक्षण संस्थान वह जगह है जो हम में से प्रत्येक में आंतरिक और कभी कभी छिपी हुई प्रतिभा को भी निखारने का काम करते हैं। पाठ्यक्रम हमें अपने भीतर आत्मनिरीक्षण करने, महत्वाकांक्षा रखने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देता है। राष्ट्रपति ने कहा, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां नवाचार और उद्यमिता की सराहना की जाती है और उसे प्रोत्साहित किया जाता है। विभिन्न यूनिकॉर्न या स्टार्टअप की कहानियों ने नया इतिहास रचा है। इसने नए रास्ते खोले क्योंकि व्यावसायिक उद्यमों के अंतर्गत कई नए क्षेत्र आ रहे हैं। प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत ने कोरोना मौतों का आंकड़ा छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देशवासियों से माफी मांगने की मांग प्रेस परिषद में की। उन्होंने बताया कि WHO ने कोरोना महामारी से देश में 47 लाख लोगों की मौत का आंकड़ा जाहिर किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने न केवल 5.24 लाख लोगों की मौत का झूठा आंकड़ा दिया है। राउत ने आरोप लगाया कि मोदी हमेशा देशवासियों से झूठ बोलकर हकीकत छिपाते हैं। उन्होंने देश व राज्य भर में कोरोना फ्रंट वॉरियर्स व अन्य लोगों की मौत पर बीमा का 50 लाख रुपए देने की घोषणा को पूरा करने की मांग भी की। उन्होंने चेतावनी दी कि मदद नहीं दी गई तो 12 मई के बाद देश व राज्य भर में जिला मुख्यालयों में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि WHO ने विशेषज्ञों को जनवरी 2020 तक कोरोना मौत की वास्तविक संख्या के मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी थी। राउत ने कहा कि कोरोना से मृत्यु के मामलों में अनेक लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर अलग अलग कारण लिखे गए हैं। केंद्र सहित राज्य सरकार व प्रशासन द्वारा भी इस तरह की चूक हुई है। उन्होंने गलतियों को सुधार कर मृतकों के परिजनों को मदद की मांग की। पानी के बाद स्ट्रीट लाइट की लड़ाई लड़ रहे गोरेवाड़ा के लोगों ने रविवार शाम इलेक्ट्रिक पोल पर मशाल जलाकर अनूठा विरोध किया। यहां महानगर पालिका द्वारा 11 इलेक्ट्रिक पोल पर LED लाइट नहीं लगाए और काम बंद कर दिया। इससे पहले सभी नए पोल पर बल्ब लगाए जा चुके हैं। गोरेवाड़ा मेन रोड का यह हिस्सा शाम 6 बजे से ही घोर अंधेरे में डूब जाता है। ऐसे में परिसर के करीब 3,000 से ज्यादा नागरिक मनपा की इस कार्यप्रणाली को अपने साथ सौतेला व्यवहार मान रहे हैं। इस दौरान मौजूद स्थानीय लोगों ने कहा कि संबंधित विभाग केवल पोल लगाकर चले गए और अब हमें चिढ़ा रहे हैं। अंधेरे में मेन रोड के गड्ढों और जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें मजबूरन इन पोल पर मशाल जलाकर उजाला करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि 21वीं सदी की मनपा हमें मशाल की इस रोशनी से निकालकर LED लाइट की रोशनी में रास्ता पार कराएगी। सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि जल्द से जल्द बचे हुए 11 इलेक्ट्रिक पोल पर LED लाइट नहीं लगाई गई तो संबंधित विभाग में मशाल आंदोलन तय है। सिटी के होनहार खिलाड़ी विवान सारोगी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की बदौलत नागपुर जिला गोल्डन जुबली वीकेंड रैपिड चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता। महामारी के कारण लंबे समय बाद बोर्ड पर चेस टूर्नामेंट फिर से शुरू हुआ, जिसमें खिलाड़ियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। नागपुर जिला चेस एसोसिएशन ने धनवटे नेशनल कॉलेज के सहयोग से DNC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के दूसरे दिन रविवार को खेले गए 90वें और अंतिम राउंड में विवान का सामना वैभव राउत से हुआ। लगातार 5 दौर के मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले विवान ने लय कायम रखते हुए वैभव को पराजित कर 1 अंक प्राप्त किए। इस जीत से वह 8 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए विजेता बना। उन्हें एकमात्र हार कुश वैरागड़े से तीसरे राउंड में मिली। सिद्धांत गवई, वैभव और निलय कुलकर्णी के 1 समान 7 अंक रहे और वे क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। कुछ 6 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रहे। 2 दिवसीय वीकेंड रैपिड चेस टूर्नामेंट के 50वें संस्करण में कुल 160 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। श्रेयांश कामदार की उपस्थिति में पहले 25 खिलाड़ियों में 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार वितरण कर उन्हें सम्मानित किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने माल लदान के क्षेत्र में अप्रैल महीने में 0.8 मिलियन टन माल लदान कर 64,76,00,000 रुपए की आय अर्जित की, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36% अधिक है। टिकट चेकिंग के क्षेत्र में भी शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए अप्रैल माह में विभिन्न गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों में चलाए गए अभियानों के अंतर्गत बिना टिकट यात्रा करने वालों तथा बिना माल बुक किए गए लगेज के 77,000 मामले दर्ज कर कुल 3,94,00,000 रुपए वसूले गए।
इसके अलावा मंडल द्वारा 14 लाख टिकटों की बिक्री की गई, जिसमें 23 करोड़ 84 लाख रुपए की आय हुई। इस माह पार्सल लदान के अंतर्गत कुल 741 टन पार्सल की लोडिंग से 17 लाख रुपए की आय हुई। सहधर्मदाय आयुक्त द्वारा 15 मार्च 2022 को जारी किए गए आदेशों पर आपत्ति जताते हुए साई मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अविनाश शेगावकर तथा अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायाधीश अनिल पानसरे ने सहधर्मदाय आयुक्त के आदेश ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए दिए जाने का हवाला देते हुए इसमें दखलंदाजी से साफ इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि सहधर्मदाय आयुक्त की ओर से दिए गए आदेशों पर पुनर्विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने आयुक्त के समक्ष अर्जी दायर की थी, जिसे 8 अप्रैल 2022 को ठुकरा दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिकाकर्ताओं का मानना था कि सहधर्मदाय आयुक्त द्वारा आदेश जारी करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, यहां तक कि आदेश में उनके खिलाफ कुछ अंश दर्ज किए गए। इस दलील पर अदालत ने कहा कि यदि प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार यदि सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और यह स्थापित हुआ तो निश्चित ही आदेश रद्द हो सकता है, जिसके लिए अदालत की ओर से 15 मार्च 2022 को जारी किए गए आदेश का अवलोकन किया गया। जिले की 53 ग्राम पंचायतों में रिक्त हुई सीटों के लिए उपचुनाव 5 जून को होगा। राज्य चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जिन ग्राम पंचायतों में सदस्यों की निधन, इस्तीफा व अन्य किसी कारणों से पद रिक्त हुए हैं, वहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुकों से 13 से 20 मई तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन की छटनी 23 मई को 11 बजे होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 25 मई को दोपहर 3 बजे तक है। इसी दिन 3 बजे के बाद मैदान में बरकरार उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा और सूची जाहिर की जाएगी। जिस ग्राम पंचायत में जरूरी होगा वहाँ वोटिंग 5 जून को होगी। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। 6 जून को मतों की गणना व चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में लग गए हैं। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि विदर्भ में कुल रकबा के 30% क्षेत्र में कपास की खेती होती है, लेकिन अक्सर कीटों के हमले और प्राकृतिक आपदा के चलते अपेक्षित उपज नहीं मिल पाती। किसानों को उत्तम फसल लेने के लिए विविध योजनाओं व कीट व्यवस्थापन के संदर्भ में जानकारी देने के लिए कृषि विभाग की ओर से ग्रामीण भागों में मार्गदर्शन शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। वे केंद्रीय कपास संशोधन संस्था, कपास संचालनालय, विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालय व पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कपास उत्पादक किसानों के लिए विभागीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कपास को पानी भरपूर लगता है, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन के संदर्भ में मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखेंगे व फॉलोअप भी करेंगे। इस अवसर पर पीकेवी के उपकुलपति वीएम भाले, डॉक्टर एएल वाघमारे, सहसंचालक रविंद्र भोसले, विलास खर्चे ने भी मार्गदर्शन किया। केदार ने कहा कि जमीन का स्वास्थ्य सुधारने के लिए नैसर्गिक खाद का उपयोग करें, बीज लेते समय सावधानी बरते और उसका बिल ले, अन्यथा धोखाधड़ी का भय रहता है। क्रॉपिंग पैटर्न कैसे तैयार करके अमल में लाना है, उसका हिसाब कैसे रखना है, इसकी जानकारी ले। कभी भाजपा की मित्र रही शिवसेना का अब उससे इतना तनाव बढ़ चुका है कि वह भाजपा को हर स्तर के चुनाव पर मात देने की तैयारी में जुट गई है। नागपुर में होने वाले मनपा चुनाव में तो सेना ने अपना महापौर बनाने का लक्ष्य तय कर रखा है। अधिक से अधिक सीटों पर उम्मीदवार चुनकर लाने की तैयारी में पार्टी संगठन जुट गया है। 2 बार सांसद संजय राउत नागपुर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी में जान फूंक दी है। प्रदेश प्रवक्ता किशोर कनेरे ने बताया कि पार्टी कांग्रेस व राकांपा के साथ युति कर मनपा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन अगर मविया की युति नहीं होती है तो अकेले ही सभी सीटों में शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी। शिवसेना को इसके लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने अपने सभी पुराने अनुभवी और नए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने और जनता के साथ संवाद स्थापित कर संगठन को मजबूत करने का कार्य शुरू कर दिया है। शहर शिवसेना में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सभी गुटों को एक करने की कवायद में संजय राउत ने सभी से संवाद साधा है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आह्वान किया जा रहा है कि नागरिक टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र अपने साथ रखें।
जीवन में काम करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाने के लिए आती है। आज के युवाओं को ये बात अच्छी तरह समझना होगा, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। ये बात डॉक्टर विजय कुमार शर्मा की पुस्तक आउट ऑफ द बॉक्स प्रबंधन मंत्र नितिन गडकरी अथाह असीम के विमोचन अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विकास तिरपुरकर, द प्रिंट नई दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता, पूर्व मेयर दयाशंकर तिवारी, मैनकाइंड फार्मा के सीईओ राजीव जुनेजा, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर विपिन कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि मैं उतना बड़ा नहीं जितना वक्ताओं ने बताया है, परिस्थितियां मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है। इस दौरान पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी ने अपने भाषण में कई पुरानी यादों को याद किया और सुझाव दिया कि NHAI का नाम बदलकर नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स कर दिया जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्जन डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी सफल होने की चाह तो रखती है, लेकिन संघर्ष से जी चुराती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन करने के लिए रविवार को शहर में पहुंचे। IIM नागपुर की स्थापना साल 2015 में की गई थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति कोविंद की अगवानी की। इस अवसर पर पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस, राज्यसभा सांसद विकास महात्मे, सांसद कृपाल तुमाने, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आदि नेता उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित IIM नागपुर फिलहाल 600 छात्रों को मैनेजमेंट शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया एक नया कैंपस है। करीब 132 एकड़ क्षेत्रफल के परिसर में ये भव्य IIM कैंपस बना हुआ है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया ने स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता के पहले चरण का परिणाम जारी किया है। इसमें देश भर के 75 शहर शामिल है। नागपुर शहर 38वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को देश में स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया। देशवासियों के जीवन में सुधार लाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। देश भर के 100 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गई। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में सिटी में स्मार्ट सिटी परियोजना का भूमि पूजन किया गया। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पूर्व नागपुर के पारडी, भरतवाड़ा और पुनापुर इलाके के 1730 एकड़ जमीन पर अनेक प्रकल्प बनाए जा रहे हैं। इस योजना को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी गई। योजना में होम स्वीट होम का समावेश है। योजना के क्रियान्वयन में नागपुर शहर पहले साल देश भर में पहले स्थान पर रहा, लेकिन बाद में ये लगातार पिछड़ते चले गया। स्मार्ट सिटी मिशन के संचालक कुणाल कुमार ने कहा कि नागपुर शहर केंद्र से मिली राशि का 100% उपयोग करने में भी नाकाम रहा। मई का महीना हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तप रहा है। आगामी कुछ दिनों तक सूरज देव कहर बरपाने वाले हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक यानी 9 से 12 मई तक हीट वेव की चेतावनी दी है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि इस वर्ष गर्मी अपने पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। हालांकि बीते वर्ष 2021 के मई महीने में सर्वाधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक ही गया था, लेकिन इस वर्ष ये 46 डिग्री सेल्सियस तक तो कुछ दिन पहले पहुंच चुका है। हालांकि अभी पारा कुछ कम हुआ है, लेकिन हवा में गर्मी देर रात तक बरकरार है। दिन में लोगों की हिम्मत घर से बाहर निकलने की नहीं हो रही है। झुलसाने वाली गर्म हवा और चटके लगने वाली तेज धूप के साथ ही बदली वाली उमस भरा मौसम बीते कुछ दिनों से बेचैन कर रहा है। संडे को भी धूप छांव का मौसम बना रहा, लेकिन तपती गर्मी का कहर बरकरार रहा। दोपहर को जलन सी महसूस हो रही थी। देर रात तक हवा में गर्मी थी जो वाहन चलाते समय शरीर के खुले हिस्सों में महसूस हो रही थी। राजनेताओं ने शहर के बाहरी हिस्सों को टैंकर मुक्त बनाने और चुनाव आने पर सभी इलाकों में 2400 घंटे जलापूर्ति दिलाने का संकल्प लिया। हालांकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। पिछले 10 साल में नागपुर महानगर पालिका ने पानी के टैंकरों पर लगभग 170 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शहर के चारों ओर पानी समान रूप से वितरित नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग इसे दिन में 8 घंटे प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य हिस्सों में बिल्कुल जलापूर्ति नहीं होती है। मनपा की सीमा के बाहर के स्थानों के साथ साथ शहर के भीतर के क्षेत्रों में पाइपलाइन नेटवर्क की कमी के नजर पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी टैंकर संचालकों की ही होती है। टैंकर इन क्षेत्रों में पानी पहुंचाते हैं। NMC ने 2011-12 में टैंकरों पर 19.19 करोड़ रुपए खर्च किए। उसके बाद 4 साल के लिए खर्च में कमी आई। 2015-16 में मनपा ने 10.66 करोड़ खर्च किए। उसके बाद खर्च में लगातार वृद्धि हुई है।
यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 951 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 1,04,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 8,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 2,26,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। हाल ही में हार्मनी इवेंट्स का चित्रहार पार्ट 2 बेस्ट ऑफ शर्मिला टैगोर रिलीज हुआ। हार्मनी परफॉर्मिंग स्टूडियो पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम की परिकल्पना हार्मनी इवेंट्स के निदेशक राजेश समर्थ ने की थी। संयोजक स्वाति खड़से थी, गायिका अनुष्का काले, प्रिया देशकर, अश्विनी सालुंके, वंदना वांदिले, श्यामल इंगले, विलास डांगे, हर्षल मानकर, संदीप मलिक और निखिल साठे ने प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर द्वारा अभिनीत लोकप्रिय फिल्मी गीतों की बेहतरीन प्रस्तुति दी। स्वाति खड़से ने अगर तुम भुलाना दोगे यही वो जग है जैसे सोलो गानों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ कभी रात दिन, दीवाना हुआ बादल, रात के हमसफर जैसे गानों पर परफॉर्म दिया और दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी। अन्य गायक कलाकारों ने हम थे जिनके सहारे और क्या अहदे वफा, चलो सजना जहाँ तक, कुछ दिल ने कहा, होले होले साजना, मैं तेरा चोर तू मेरी रानी गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। आजादी की लड़ाई हो या हाल ही में कोरोना का प्रकोप, देश के सभी लोगों ने बिना किसी जाति, पंथ या पंथ के देश के काम में सहयोग किया है। महाराष्ट्र के पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय विकास, खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री सुनील केदार ने कहा कि इस बहुधार्मिक सद्भाव का होना हमारे देश के हित में है। केदार मुस्लिम बंधुओं को ईद के पावन पर्व की शुभकामना देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मंत्री सुनील केदार ने सावनेर में ईदगाह मैदान और छोटी मस्जिद का दौरा किया और सभी मुसलमानों को ईद की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंत्री सुनील केदार ने कहा कि आज देश एक अलग विचारधारा पर चलाने की कोशिश की जा रही है। जब इस देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तब कोई भी सैनिक किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा था। खास बात यह है कि 2 साल पहले भी पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहे कोरोना युद्ध में किसी ने नहीं पूछा कि कौन जा रहा है। किसी भी चिकित्सक ने किसी के साथ जाति या धर्म के आधार पर व्यवहार नहीं किया बल्कि केवल मानवता के धर्म के रूप में व्यवहार किया। लोकमत के नागपुर संस्करण की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए आयोजित एक व्याख्यान श्रृंखला 2024 के लोकसभा चुनाव में आप और उसकी भूमिका विषय पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजनीति में किसी को हराना नहीं चाहते बल्कि भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि राजनीति कैसे करते हैं। मैं किसी को हराने के लिए 10 और 20 पार्टियों के गठबंधन को नहीं समझता। मैं किसी को हराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि देश जीते। मैं भारत को दुनिया में नंबर वन देश बनाने के लिए देश 130 करोड़ लोगों के साथ ही गठबंधन करूंगा। उन्होंने कहा, मैं भगवान से दो ही चीजें मांगता हूं, एक भारत को नंबर वन बना दो और दूसरी जब तक भारत नंबर वन पर नहीं बन जाए मुझे मृत्यु न दे। व्याख्यान में उन्होंने नाम लेते हुए बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं काम करता हूं इसलिए मुझ पर हमले होते हैं। केजरीवाल ने कहा, 2024 का चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य देश है। हम भारत माँ के लिए राजनीति में आए हैं। मानव कल्याण की दिशा में अग्रणी सामाजिक संस्था सिंधु युवा फोर्स द्वारा संत सतरामदास धर्मशाला समाधि साहिब जरीपटका में आयोजित रक्तदान शिविर में सैकड़ों लोगों ने मानव धर्म निभाया। महानगर के वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव चौधरी ने दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर विधिवत उद्घाटन किया। प्रमुख अतिथि के रूप में व्यवसायी दीपक देव सिंघानी एवं सोनू केवल रामानी आमंत्रित थे। डॉक्टर चंद्रशेखर पाखमोड़े, मरपा स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, प्रमिला मथरानी, दौलत कुंगवानी, महेश शर्मा, नरेश खुशाला ने हरीश चौधरी की भी विशेष उपस्थिति रही। अतिथियों का सत्कार शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं फ्रूट बास्केट भेंट कर किया गया। जब संस्था के पदाधिकारियों ने इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना गीत गाकर शिविर का शुभारंभ किया तो डॉक्टर चौधरी भावविहल हो उठे। उन्होंने कहा कि इस महान कार्य के लिए ईश्वर आपको असीम शक्ति देंगे। रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि आपके खून के एक एक कतरे में किसी की जिंदगी की रक्षा करने की क्षमता है। भले ही डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है किंतु प्राणों के वास्तविक संवाहक तो रक्तदाता ही होते हैं। उन्होंने सिंधु युवा फोर्स द्वारा विगत 15 वर्षों से किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपनी ओर से हर संभव सहयोग का वचन दिया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।